मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 7 साल के अंतराल के बाद चुनाव हो रहे हैं। नर्मदापुरम जिले की 7 जनपदों में 3 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में सोहागपुर और केसला ब्लॉक की 115 पंचायतों में चुनाव शुरू हो चुका है। वहीं सोहागपुर ब्लॉक में 63 पंचायतों में 176 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतदान खत्म होने के बाद वोटों की गिनती भी मतदान केंद्र पर करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि सोहागपुर जनपद पंचायत की 63 में से 10 पंचायतों में निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं। यहां केवल जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान हो रहा है। वहीं केसला ब्लॉक में 22% और सोहागपुर ब्लॉक में 15% मतदान हुआ। इस दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह ने सोहागपुर में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ाया।